नमस्कार साथियों, छात्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मैं कुमार सोनू एक बार फिर आप सभी का आपके अपने सहयोगी चैनल स्थिरा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिन्होंने मेरे सभी वीडियोस और शॉर्ट्स को इतना प्यार दिया है और साथ ही अपना कीमती वक्त भी आप मुझे देते हैं। गाइस, एक बार फिर मैं क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ मैथ्स से रिलेटेड और प्रयास करूँगा कि इस वीडियो को मैं ऐसा बना सकूँ कि ये फर्दर क्लास 10 के बच्चों के लिए भी लाभदायी हो, क्योंकि जिस टॉपिक को मैं आज दे रहा हूँ अक्सर तो बच्चे इसे जादू समझ लेते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है, मैं आगे क्लियर करूँगा। तो इस टॉपिक के सवाल जो हैं वो क्लास 10 के बच्चों को भी अक्सर परेशान करते हैं, क्योंकि सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, अगर आप क्लास 9 में हैं तो आप पढ़ रहे होंगे और उसमें आपने बहुत सारे टर्म्स किए होंगे और फिर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड्स भी पढ़ा होगा। तो मैं आज इसी पर हूँ और इसी पर एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो ये अक्सर क्लास 10 के बच्चों को भी परेशान करता रहता है। चलिए अपना लर्निंग मोड ऑन कर लीजिए और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रयास करूंगा कि बाइलिंगुअल रहूं, कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही छात्रों को बराबर कर रहा हूं। तो सवाल ये है कि आपने ये थ्योरम पढ़ा होगा, इट्स अ थ्योरम नॉट अ मैजिक, कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एकदम ध्यान से समझिएगा, मैं समझाता रहूंगा, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ठीक है। चलिए इसे प्रूव करना है, मान लेते हैं ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है। तो मैं एक रफली एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ, एक फिगर बनाता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस वक्त स्मार्टफोन नहीं है मेरे पास, लेकिन फर्दर जब आगे होगा तो मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। ये एक कॉर्ड है और ये एक कॉर्ड है, चलिए नाम देते हैं ए बी और इसका नाम देते हैं सी डी। सवाल ये उठता है कि कॉर्ड किसे कहते हैं। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल में मैंने आपको समझाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कॉर्ड किसी भी सर्कल के अंदर, आप सर्कल की जो लाइन है, सर्कल फ्रेंस है, उस पर दो पॉइंट खींच दें और उसे ज्वाइन कर दें तो वो कॉर्ड हो जाता है, ठीक है, बड़ा आसान है समझना। तो ये कॉर्ड है क्योंकि मैंने पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब कई बार बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सेंटर से होकर जाने वाली लाइन कॉर्ड है क्या? तो हाँ, वो भी कॉर्ड है, लेकिन एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉर्ड है कि वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और उसे हम लोग डायमीटर कहते हैं। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहरहाल मैं मुद्दे पर रहता हूँ। तो ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है और दोनों ही कॉर्ड जो है यानी कॉर्ड इक्वल है, ये एक सवाल में है हमारे पास। और ये एक सवाल ये कह रहा है कि अगर हम लोग इस कॉर्ड को कॉर्ड से सेंटर पर एक एंगल बना दें और फिर इस कॉर्ड से भी सेंटर पर एक एंगल बना दें तो ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। ये सवाल है हमारा, हमें प्रूव करना है, एकदम 100% प्रूव, ये बिल्कुल सही बात है। आप कभी भी मैथ करोगे तो ये आपको रेफरेंस भी देगा बहुत सारे सवालों में, ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? एक कॉर्ड यहां खींचिए, एक कॉर्ड यहां खींचिए, फिर ज्वाइन करते हैं, फिर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो अब कैसे सॉल्व करें इसे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। एक्चुअली मैं अकेला होता हूँ तो मुझे बड़ा ध्यान रखना होता है कि बोर्ड विजिबल हो और आप तक बिल्कुल अच्छे से बोर्ड दिखाई दे आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, अ सर्कल इन विच ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास गिवन है पहले से ही, ठीक है। चलिए और जब इस फिगर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए ओ बी और सी ओ बी, सेंटर को मैं ओ कह रहा हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड सी ओ बी आप पाएंगे, आप जब इस सर्कल को गौर से देखेंगे पूरे इस फिगर को, तो आप पाएंगे कि AO is equals to CO, क्यों क्यों ध्यान से समझिएगा, रेडी ऑफ द सेम सर्कल। देखिए ऐसे लिखते हैं बोथ इक्वल टू R, R का मतलब होता है रेडियस, यानी दोनों ही त्रिज्याएं हैं। वही बात पहले कह रहा हूं कि एक सर्कल के अंदर की दो त्रिज्याएं हैं तो यूनिवर्सल ट्रू है कि एक सर्कल के अंदर की दो त्रिज्याएं आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। फिर आप देखेंगे कि इसी प्रकार DO या इस ट्रायंगल से लें तो आप देखेंगे कि BO DO के बराबर होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये तो बराबर है ही, ये वाला भी बराबर है, क्यों? सेम रीजन है यहां
यहाँ पे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों ही एक ही सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। और फिर आप पाएंगे कि AB इज इक्वल टू CD, जल्दी से बताओ मेरे बिना बोले, क्यों? क्योंकि वो था, क्योंकि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, या आप यहाँ पर रेफरेंस भी दे सकते हैं कि गिवन, ये हमारे पास पहले से गिवन है। अब देखिए दो ट्रायंगल्स हैं और इसकी सारी भुजाएं आपस में मतलब करस्पॉन्डिंग जितनी भी भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो इसका मतलब साफ हुआ कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कैसे? तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के सर्वांगसम है, ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज है। तो जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब साफ हुआ कि उनकी सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं, ऑलरेडी प्रूवन, और उनके सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल AOB एंगल COD के बराबर होगा। अच्छा मैं लिखना भूल गया था, यहां प्रूफ लिख देना चाहिए था, तो प्रूफ की हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ यही करना था कि AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, कि इक्वल कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने लर्निंग मोड को ऑन करके दोबारा देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप पूरे वीडियो को और इस पूरी थ्योरम को समझ पाएंगे। एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें, जय हिंद।